हेलो बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर शुरू करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में बहुत हमें बेसिक स्किल्स जैसे प्लस माइनस, कुछ फॉर्मूलेस और क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसके बारे में हमें बेसिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं शुरुआत ही बेसिक्स से करूँगा। हाँ, मुझे मालूम है कि आप लोग को मालूम होगा, लेकिन क्यों हम रिविज़न करते हैं। जो पहला बेसिक है, इसका मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूले से शुरू करता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ए जो कोएफिशिएंट ए है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों ज़ीरो नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर जो स्क्वायर टर्म रहते हैं उसी से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफाइन करते हैं। अगर यही नहीं रहेगा तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोल नहीं सकते। सो वी नीड द स्क्वायर टर्म इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहाँ पे स्क्वायर टर्म रहेगा उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन उससे भी पहले हम चलते हैं सिक्स स्टैंडर्ड में, इसलिए क्योंकि अभी भी जो प्रॉब्लम फेस होते हैं वो होते हैं प्लस माइनस के प्रॉब्लम। मैं इधर दो जगह में बाइफोकेट करता हूँ प्लस माइनस को। एक मैं एडिशन रखता हूँ और एक मैं डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, आप बोल सकते हो एडिशन सबट्रैक्शन, आप बोल सकते हो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हो, लेकिन मैं इधर बोलना चाहूँगा क्लब कर सकते हैं। क्लब करने में क्या होता है कि पहले हम एडिशन सबट्रैक्शन देखते हैं। एडिशन सबट्रैक्शन में हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं एजम्पशन होता है। क्या होता है? एजम्पशन। हम इधर प्लस माइनस का रूल तो फॉलो करते हैं, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि सामने का प्लस और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। प्लस 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 और माइनस माइनस प्लस। इधर हम डायरेक्टली साइन चेंज नहीं करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, जब एडिशन का सवाल आता है तो हम इधर जो बिगर नंबर रहता है उसका साइन यूज़ करते हैं। आई एम सिंप्लीफाइंग इन हिंदी जस्ट फॉर द रिमेम्बरिंग इट। देर आर सिंपल स्टेप्स। प्लस माइनस इज अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट वी आर लर्निंग फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द सेकेंडरी सेक्शन। देन टू एक बार रिपीट करते हैं इसे। प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस। इधर हम डायरेक्टली साइन नहीं चेंज करते। ऐसा कोई रूल नहीं कि हम डायरेक्टली साइन एडिशन सबट्रैक्शन में चेंज कर सकें। हम किस बेसिस पे करते हैं? उसका बड़ा नंबर का साइन। जैसे एक इमेजिन करो कि हमारे पास प्लस 3 है और माइनस 10 है, तो हम यूज़ करेंगे प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन यूज़ करेंगे हम बड़े नंबर का साइन। द सेम वे विल गो फॉर योर इसको डिविजन और मल्टीप्लीकेशन बोल सकते हो। मल्टीप्लीकेशन आप बोल सकते हैं प्लस माइनस माइनस एज वी डिड। इधर क्या होता है कि इधर हम लोग साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज जो भी रहेगा हम डायरेक्टली साइन शो करते हैं। ठीक है, इधर हम डायरेक्टली साइन शो करते हैं। अब अगर देखेंगे आप, तो हमने अभी प्लस माइनस का सीखा। अब उसके बाद हम सीखेंगे फॉर्मूलेस। कुछ फॉर्मूलेज है जो हमारे प्रैक्टिस सेट वन के लिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्मूला दूंगा। बल्क में फॉर्मूला देखते कुछ याद तो नहीं रहेगा, इससे अच्छा स्टेप बाय स्टेप मैं प्रैक्टिस सेट वन के लिए मैं फॉर्मूले 4.1 के लिए मैं फॉर्मूलेज देता हूं आपको। पहला फॉर्मूला है a प्लस बी द होल स्क्वायर, जिसको हम डिनोट करते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला हम लोग देखेंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद जो है वो थोड़ा सा सिमिलर फॉर्मूला है लेकिन उसका आंसर्स डिफरेंट है। देखो इंडिविजुअली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, जो थर्ड फॉर्मूला है हमारा इंडिविजुअली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है इसके लिए ए प्लस बी और ए माइनस बी। डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है और ये इंडिविजुअली है। इसके बाद हम कभी कभी दो ब्रैकेट्स एक साथ आ जाते हैं हमें सॉल्व करने के लिए, उसमें हम डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। जैसे ब्रैकेट में है ए प्लस बी और ये दूसरे में है सी प्लस डी। जैसे हमारे पास दो ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ करते हैं, लेकिन एक बेसिक टेक्निक्स है जो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूँ, पहला ब्रैकेट का पहला, दूसरा ब्रैकेट पूरा, पहला ब्रैकेट का बचा हुआ अलॉन्ग विथ साइन, अलॉन्ग विथ साइन, दूसरा ब्रैकेट पूरा। अब देखेंगे आप, मैं पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँ ए मल्टीप्लाई बाय सी, ए मल्टीप्लाई बाय प्लस ए मल्टीप्लाई बाय डी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय डी, तो ये हमारा आंसर होगा फाइनल आंसर। अभी ये सिंप्लीफिकेशन का एक मैं सेम लेता हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए, माइनस वाला लेता हूँ सी प्लस डी। अब ये देखिए ए पहला ब्रैकेट का पहला, दूसरा ब्रैकेट पूरा सेम मेथड, फिर पहला ब्रैकेट का बचा हुआ सी प्लस डी, दूसरा ब्रैकेट पूरा। इधर देखिए मैंने साइन के साथ लिया है, साइन बहुत मस्ट है, बहुत कंपलसरी है, साइन बहुत ज़रूरी है। सेम आएगा ए सी प्लस ए डी माइनस बी सी, ये देखो माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, मैंने जैसे तुमको पहले बताया था माइनस इंटू प्लस, इधर मल्टीप्लाई, इधर क्लब हो रहा है, साइन क्लब हो रहा है, एडिशन सबट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो डायरेक्टली साइन चेंज। तो माइनस इंटू प्लस माइनस बी इंटू डी बी डी।